thank <gasps> you हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एमिन चैप्टर की काफी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट कन्वर्जन में गैब्रियल थैलीमाइड बच्चों रिएक्शन रहती है तो आज हम लोग जान लेते हैं कैसे और क्या होती है गैब्रियल सिंथेसिस German scientist Sigmund Gabriel invented this reaction by converting primary alkyl halide into primary amine by using thalamide in presence of base. साइंटिस्ट गैब्रियल ने एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन से बेस की प्रेजेंस में कराया जिससे हमारा प्राइमरी हेलाइड प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो गया और ये रिएक्शन ही कहलाती है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या ये आपको क्लियर है तो गैब्रियल रिएक्शन में प्राइमरी हेलाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट किया जाता है एनिलीन और एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर डिफरेंट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है जिससे एरोमेटिक एमीन या एनिलीन बनाया नहीं जा सकता है तो याद रखिएगा गैब्रियल सिंथेसिस से प्राइमरी एमीन बनाए जाते हैं एनिलीन या एरोमेटिक एमीन नहीं मैकेनिज्म दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ निक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन बच्चों निक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन को सोर्ट में ऐसा बोलते हैं आप जानते हैं तो गैब्रियल थेलीड रिएक्शन जो है ये निक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय बायू मैकेनिज्म इन टू थ्री स्टेप बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन के द्वारा तीन स्टेप में पूरी होती है आइए जानते हैं स्टेप वन जेनरेशन ऑफ इमाइड आयन बच्चों यहाँ पे थैलीमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पहले स्टेप में थेमाइड आयन में जिसको शोर्ट में इमाइड आयन भी कह देते हैं आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो यहां पर थेलीड का हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि जिस नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन लगाया उसके एडजेसेंट कार्बन ये दोनों कार्बोनल कार्बन जो हैं, ये माइनस आई इफेक्ट स्ट्रोंगर माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं जिसकी वजह से यहां से ये यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ प्लस फॉर्म में बाहर आता है नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकलने में बेस इसकी हेल्प करता है कुछ इस तरीके से तो माइनस वॉटर यहां से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या बन गया है पोटेशियम सॉल्ट बन गया है इमाइड आयन और थेलीइड का तो तो इसको आप पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड आयन भी कह सकते हैं क्या ये क्लियर है आपको स्टेप टू अटैक ऑफ इमाइड आयन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ एल्काइल हेलाइड टू गिव एन एल्काइल थैलीमाइड बच्चों आप जानते हैं कि स्टेप टू के अंदर आयन का रिएक्शन एल्काइल थेलाइड से कराते हैं जिससे थैलीमाइड आयन जो है वो रिएक्शन करता है एल्काइल हेलाइड के कार्बन पे क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर ये वाला जो कार्बन होगा एल्काइल हेलाइड का ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है तो यहां से ये इमाइड आयन इस पे कुछ ऐसे अटैक कर देगा तो यहां से एक्स माइनस निकला ये के प्लस के साथ कम के, के बाहर निकल जाता है और जो बाकी बचता है वो कहलाता है एन एलकाइल थैलीमाइड टेप थ्री बेस कटेलाइज क्लीवेज ऑफ एन एलकाइल थैलीमाइड टू गिव सोडियम सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड बच्चों स्टेप थ्री में जो हमारा स्टेप टू में एन एलकाइल हेलाइड बना था उसका एक्वस एनएच मीडियम में हाइड्रोलाइज कर देते हैं जिससे ये रिंग यहां से खुल जाती है कुछ इस तरीके से आप यहाँ से जब क्लीव करेंगे तो एक काम कीजिएगा एक ट्रिक बताते हैं आपको एन में से ओ तो आप कार्बन की साइड में जोड़िएगा और हाइड्रोजन एन की साइड में सेम इज हियर यहाँ पे भी ऐसे ही करना है ओ आपको कार्बन की साइड कार्बोनल ग्रुप की में और एच हाँ आपको की साइड छोड़ देना है तो देखिए क्या होगा इस तरीके से आपका ये पूरा बाहर निकल जाएगा आर एन एस टू बन के और ये बचेगा आपका ओ एन एन ए कुछ इस तरीके से तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन और ये हो गया आपका सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड एडवांटेज रिलायबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमिन बच्चों प्राइमरी एमिन बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है हमारी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन डिसएडवांटेज पहला लेते हैं सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड डजेंट गिव दिस रिएक्शन ध्यान रखिएगा कि गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में आप प्राइमरी एल्काइल हेलाइड को ही कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी एमीन में सेकेंडरी या एल्काइल हेलाइड को नहीं एनिलीन और एरोमेटिक एमीन सेकेंडरी ट्रेशरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बच्चों ध्यान रखिए। गैब्रियल एक भरोसेमंद रिएक्शन है प्राइमरी एमीन बनाने के लिए इसके अलावा कोई एनिलीन या एरोमेटिक एमीन सेकेंडरी ट्रेशरी एमीन इसके द्वारा बनाई जा नहीं सकती है और बच्चों अब लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन तीन रिएक्शन दी हुई है आपको तीनों रिएक्शन में ध्यान से देखें ये हमारे हेलाइड्स हैं क्लियर है आपको इन हेलाइड्स का रिएक्शन से बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भेजिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर भेजते हैं तो बच्चों आज हमने जाना गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन क्या होती है कैसे होती है कितने स्टेप में होती है और आपके लिए होमवर्क भी छोड़ दिया है तो भेजिए जल्दी से सॉल्यूशन, देखते हैं किसके सही आते हैं और किसके गलत आते हैं